संगमाला जुले। तो बच्चों आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके बुक में कि व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों ज़रूरत है रिप्रोड्यूस करने की या रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत है? तो हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनका एक फिक्स लाइफ स्पेन होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स जो होते हैं, कई सारे प्लांट्स हैं जो एक सीजन के लिए होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आप प्लांट्स लगाते हो, एक सीजन में वो फूल आते हैं, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं या फिर वो उसके डेथ हो जाते हैं। उसी तरह से और प्लांट्स है, दूसरे ग्रुप के प्लांट्स है जिसको जो कि दो तीन सीजन्स के लिए या बहुत सारे सालों के लिए वो जिंदा रहते हैं, पर वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते हैं, एक ना एक दिन उनको भी मरना या उनको वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ये स्पीशीज खत्म ना हो जाए, कोई जो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो खत्म ना हो जाए, इसीलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन होते हैं और रिप्रोडक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन नेक्स्ट आपका टॉपिक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी, और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। मैं प्लांट्स की बात कर रही हूं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वन पेरेंट्स होते हैं, एक ही पेरेंट होते हैं। ठीक है, आप उसको मम्मी भी कहो या उसको पापा भी कहो, जो भी कहो, उसमें एक ही पेरेंट होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, मतलब एक लड़का एक लड़की। ठीक है, जिसे फादर या मदर कहते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें गैमेट्स जो होते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं होते हैं, गैमेट्स फ्यूजन नहीं होते हैं। ठीक है, पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होते हैं। ये डिफरेंस दिए गए हैं आपके बुक में। तो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें आपके बुक में दिए गए हैं 6 टाइप्स। ठीक है, कैसे होते हैं? सबसे पहले है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन स्टूडेंट्स, बाय मीन्स टू। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, एल्गी में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, फंगी में होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मैं आपको बताती हूँ बाइनरी फ्यूजन में क्या होते हैं। बाइनरी फ्यूजन में अगर ये कोई फंगस होगा या एल्गी होंगे तो ये सेल है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसकी न्यूक्लियस है। जो ये ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में, जैसे कि आप देखिए इसके जो न्यूक्लियस है अंदर का, न्यूक्लियस भी डिवाइड होते हैं। उसी तरह से ये बनते हैं 2 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में, एक से ये बन जाते हैं 2। तो ये हो गए बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग बडिंग बट बट पतुम पतुम जरा नोले। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है यीस्ट। ठीक है, आप सबको पता है यीस्ट क्या होता है। तो उसी तरह से एनिमल्स में भी बडिंग होते हैं, आज हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो बडिंग में क्या होता है, अगर ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट है, ठीक है, तो इसके बॉडी पे ये छोटा सा बर्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो बर्ड है ये ग्रो करता है और थोड़ा बिगर हो जाते हैं, और जो इसका न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड होते हैं। ठीक है,
उसी तरह से लास्ट में ये क्या होता है, बर्ड जो है, इसका जो बर्ड है ये डिटैच हो जाते हैं, इससे जो मदर जो है उससे ये अलग हो जाते हैं और अपना ये खुद एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो बर्ड से बनते हैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बर्डिंग में। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट माने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन जो होते हैं वो होते हैं स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा ये देखिए उसका ये स्ट्रक्चर होता है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा में क्या होता है, ये जो स्पायरोगायरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ये बिल्कुल ही टूट जाते हैं आप कह सकते हो, इस तरह से ये अलग अलग हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स में। और जितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो फ्रेगमेंट्स जो है अलग अलग इंडिविजुअल में ग्रो होगा, ठीक है। तो इसके अब तीन ऑर्गेनिज्म बनेंगे, पहले ये एक है, अब ये डिवाइड हो गए, फ्रेगमेंट्स बन गए, उसके बाद ये अब तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग बन गए। तो इसी तरह से इसमें इस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें आपने देखा होगा कोई फादर नहीं है, कोई मदर नहीं है, मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि हमें पता है जो ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, उन प्लांट्स में होते हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं, ठीक है, जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं उनमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इनमें स्पोर्स बनते हैं और जो स्पोर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अगर हमारे जो फंगस होते हैं, जैसे अगर कोई ब्रेड रखा होगा हमने, कोई रोटी रखे होंगे, मतलब तगी जी बोलते हो उतना ले ते तगी करते नहीं गा ते का बाल छा समझ लो ते बाल बच्छा सचे नहीं आपको ते नाची छनो से ना तो ते नंगने स्पोर्स गुनते नहीं लूंग्स पे खेरते तेने तो यंग गा जगह जी का ले बचे नहीं आपको ते कहते नहीं यंग तगी लोनपा जी तिवशी का खोले बचे ना यंग तक खो सिया नो तो सोला स्पोर्ट्स पोमा यंग मो यो बहुत लाइट होते हैं और वो इजिली मतलब वो विंड में या एयर में वो गुल मिल जाते हैं और वो एयर जो है उसको उठा के दूसरी जगह पे ले जाते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं उसके ऊपर जो कवर होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है, क्यों, ताकि वो जो अनफेवरेबल जो मौसम होगा, बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा उसके हिसाब से अगर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होगा या एटमॉस्फेयर होगा उसमें वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, या हाई टेम्परेचर होगा या बहुत मतलब ड्राइनेस होगा उसमें भी वो सर्वाइव करते हैं। पर जब भी उसको कोई फेवरेबल जगह मिल जाती है, एटमॉस्फेयर मिल जाते हैं तो वो ग्रो करने लगते हैं। ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा है आपके टॉपिक में है रीजेनरेशन, ठीक है। पर रीजेनरेशन जो है, रीजेनरेशन रीजेनरेट करना मतलब दोबारा से बनना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे एनिमल्स में आपने देखे होंगे उसका कोई पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा से वो उसके पार्ट आ जाते हैं, जैसे पर जो ये प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में भी कभी इंजर्ड हो जाते हैं, प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं अगर वो इंजर्ड हो जाए तो वो क्या होते हैं, वो फिर बाद में जुड़ भी जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम रीजेनरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी प्लांट का स्टेम हो, लीव्स हो, उस पार्ट से दूसरा मतलब कोई प्लांट उगना, उसको हम उस वो आते हैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स दिए हैं, रूट्स आपने देखे होंगे डालिया जो फ्लावर होते हैं, डालिया फ्लावर होते हैं, बड़े बड़े लगते हैं जिसको लद्दाखी में आलू में तो कहते हैं, तो उसका क्या लगता है, उसका जो नीचे वाला जो आलू जैसा होता है वो उसका लगता है, वो रूट होते हैं और रूट से ही वो, अगर वो रूट हम निकाल के किसी को दे देंगे या कोई उसका रूट ले जाएंगे तो उसमें से न्यू जो प्लांट है वो आएगा, ठीक है, तो उसमें कोई सीड्स नहीं होते हैं। तो उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, ठीक है। स्टेम तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो, पोटैटो हम लेते हैं आलू, ठीक है, आलू आपने देखा होगा, आलू देखिए और आलू पे आप देख सकते हैं आई होते हैं, ठीक है, आलू पे बहुत सारे आईज होते हैं और इन आईज में से जो है न्यू प्लांट्स निकलते हैं,
ठीक है, तो इसमें आलू का कोई दूसरा सीट नहीं होता है उसका, मतलब इनमें मेल एंड फीमेल नहीं होता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं। तो अगर इसको हम काटेंगे भी, तो आलू को काट के अगर ये वाला पार्ट हम लगाएंगे और ये वाला पार्ट दूसरे गमले में लगाएंगे या खेत में लगाएंगे, तो इसमें से भी आलू निकलेगा और इसमें से भी आलू का जो प्लांट है वो निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आलू जो है ये एक स्टेम है। उसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, अब इसमें एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम करके एक प्लांट्स है, उसका जो लीव्स होता है, उसका जो लीव्स होता है, लीव्स के जो मार्जिन से ही न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि इसके मार्जिन से ही न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स। तो लीव से जो ये ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम के लीव के जो साइड पे मर्जन होते हैं वहां से जो न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसी तरह से इनमें भी कोई सीज की जरूरत नहीं होते हैं। ये आपके आप सबके घरों में होगा, ले में ये फ्लावर जो है जेरेनियम जो फ्लावर है ये बहुत ही कॉमन फ्लावर है। इसमें आपने देखा होगा कोई सीड्स नहीं लगते हैं, इसका कोई सीड नहीं होता है। तो अगर हमें चाहिए, अगर हमारे पड़ोसी को अगर ये फ्लावर चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो इसका स्टेम तोड़ेंगे और ले जाके गमले में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। तो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमने पहले ही कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, सिक्स क्लास में भी आपने पढ़ा है, फिफ्थ में भी पढ़ा हुआ है, जो प्लांट में भी मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक है। वो प्लांट के फ्लावर पार्ट में मेल एंड फीमेल जो पार्ट है वो होते हैं। तो मेल और फीमेल इन दोनों का जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट ऑफ मेल और गैमेट ऑफ फीमेल जब फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है, तब एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू प्लांट या हम कह सकते हैं सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो जब सीड को हम सो करते हैं तो वो फिर रिप्रोडक्शन होते हैं, न्यू प्लांट्स आते हैं। आपके बुक में दिया गया है द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब इसको हम गैमेट्स नहीं कहेंगे, जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम जायगोट कहते हैं, ठीक है। ये जायगोट बना। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट के जो मेल एंड फीमेल पार्ट्स है और ये पॉलिनेशन कैसे होता है। सबसे पहले प्लांट का जो फ्लावरिंग पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो यही फ्लावर में ही होता है। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है इसको हम पेटल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, ठीक है। ये कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके जो कलर होते हैं, जो इसके पेटल्स होते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं पेटल्स। ये सेपल होते हैं, ठीक है, इसको सेपल कहते हैं। सेपल का क्या फंक्शन होता है, सेपल जो होते हैं, जब ये फ्लावर जो होता है, ये बर्ड होता है, जब ये बर्ड मता कली हलाले जिससे पतुम जानो पाता पतुम इसका कवरिंग में आनो पहले ग्रीन कलर ही तो पतुम वो के बचाए चुनो, मतलब कली को ये बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सेपल का ये काम होता है। नेक्स्ट है हमारा जो फ्लावर, ये तो पेटल हो गए। अब फ्लावर के अंदर आपने देखा होगा कि फ्लावर के अंदर जो ये येलो पार्ट्स है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसको हम स्टेमन कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर की तरफ दो पार्ट में होते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, और इसको हम एंथर कहते हैं। फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। तो जो ये एंथर पार्ट होता है, इस पे पॉलन ग्रेन्स लगते हैं, जो जो कि मेल का गैमेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लगते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल। ये हमारा है फीमेल पार्ट, ये बीच में होता है, मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है। तो ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट आप देख सकते हो, ये थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसको पिस्टल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये थ्री पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है। तो ये हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब मतलब क्या होता है और कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे मैंने कहा था पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कौन करते हैं, तो पॉलिनेशन जो होते हैं वो विंड से भी होते हैं, इंसेक्ट से भी होते हैं, एनिमल से भी होते हैं और वाटर से भी होते हैं। पॉलिनेशन पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैं एक ईजी वे में आपको बताती हूँ कैसे ये होता है, इनके डिफरेंस बताती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ये क्या है, ये एक बी है, हनी बी है या कोई भी बटरफ्लाई है, जो भी है, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जब कभी भी पॉलिनेशन जो है एक ही प्लांट के, जैसे इस प्लांट में दो फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक ही प्लांट पे, एक ही प्लांट के फ्लावर्स में अगर पॉलिनेशन हो, उनको सेल्फ पॉलिनेशन हम कहेंगे। जैसे कि ये जो इंसेक्ट है, ये जो बी है, इस फ्लावर पे बैठेगा तो इसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स लगेंगे और ये उड़ के इस प्लांट पे चला जाएगा, तो इसके स्टिग्मा पे इसके पॉलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर हो गए, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। एक दूसरा, इसी फ्लावर के मैं इस पे एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि ये एक प्लांट है, इसी प्लांट का, तो ये जो हनी बी है ये इस प्लांट पे बैठे, इसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स लगा और ये घूमते 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 इसके स्टिग्मा पे टच हो गए, और जो इसी का पॉलन ग्रेन है इसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ, इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन सेम प्लांट्स होंगे, ठीक है, सेम प्लांट पर डिफरेंट, सॉरी सेम टाइप ऑफ प्लांट पर डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ एक गमले में एक प्लांट रखा है और दूसरे गमले में भी प्लांट्स रखे हैं, है सेम प्लांट्स है दोनों, मतलब सनफ्लावर है तो सनफ्लावर है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये हनी बी
इस गमले के प्लांट पे बेचे और इसके बॉडी पे क्या लगा, इसके बॉडी पे पोलन ग्रेन्स लगे और ये उड़ते 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 इस प्लांट पे के फ्लावर पे गए और जब ये यहाँ पे बैठे तो इसके स्टिग्मा पे इसका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, मैंने मतलब बहुत इजी वे में आपको समझाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है क्योंकि ये 8th में भी आएगा आपको, 9th और 10th में भी यही टॉपिक आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब देखिए पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर हो गए, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा पे। जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या होता है, स्टिग्मा से स्टाइल के बीच में एक ट्यूब बनते हैं, ट्यूब बनता है और वो ट्यूब के जरिए जो ये मेल गैमेट है वो चला जाता है ओवरी में, ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स, ठीक है, और ओव्यूल्स में है फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पे है फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट आ गए स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होती है ओवरी में। ओवरी में जब ये पहुंच जाते हैं तो ये मेल गैमेट के साथ ये फ्यूजन हो जाता है इनका। ठीक है, जब फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे जायगोट बनता है। आपने जब हमारे लद्दाख में सबसे कॉमन मैं एग्जांपल दूं तो एफ्रिकोट का आपने देखा होगा। एफ्रिकोट ट्रीज में क्या होता है, प्लांट्स के जो हैं ये आपका फ्लावर पेटल्स होंगे, ठीक है, तो ये सेपल, ये सेपल होगा। क्या होता है जब ये प्रोसेस, ये फर्टिलाइजेशन जब हो जाते हैं तो ये पेटल भी गिर जाता है, कहता चूली में तो बूत उगजाने वाले, चूली में तो कहता बूत अनुकले, पेटल गिर जाते हैं, ठीक है, एंथर्स भी गिर जाते हैं, स्टिग्मा भी, स्टाइल भी, सारा कुछ गिर जाते हैं और लास्ट में रहता है ये बल्ब सा जो कि ओवरी है। ठीक है, ये सारा कुछ गिर जाता है और इसका जो बल्ब होता है, जो ओवरी होता है, ये रह जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट जो है इनका फर्टिलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे जायगोट बना हुआ है। ठीक है, जायगोट जो बना हुआ है, आप क्या होता है, आप जो है ये बिल्कुल कवर हो जाते हैं और ये क्या बनना शुरू होता है, ये फ्रूट या ये सीड बन जाते हैं। ठीक है, तो एफ्रिकोट में आप देख सकते हो कि एफ्रिकोट के अंदर जो सीड है वो बनता है, ऊपर जो फ्लैशी जो एफ्रिकोट है वो बनते हैं। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट आपके बुक में दिए हैं, एग्जांपल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स के पी जो प्लांट होते हैं, पी प्लांट का जो ऊपर वाला स्किन होता है वो बहुत ही थिन होते हैं और थोड़ा सा रफ भी होते हैं, फ्लैशी नहीं होते हैं, तो वो आपके ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं। और उसी तरह से जो फ्लैशी फ्रूट है वो आपके एफ्रिकोट्स हो गए या मैंगो हो गए, ये आपके फ्लैशी फ्रूट्स का एग्जांपल है क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंगो जो होते हैं उसका जो स्किन होते हैं उसके अंदर बहुत ही जूसी और फ्लैशी जो फ्रूट होते हैं वो हम खाते हैं। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है आपका है, नेक्स्ट है सीड्स के फ्रूट्स, जैसे कि ये एफ्रिकोट फ्रूट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये सीड अब मैंने दिखाया है। तो फ्रूट का क्या फंक्शन होता है, फ्रूट जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं सीड को, एक तो दूसरा है ये स्टोर हाउस ऑफ द फूड होते हैं, मटेरियल किसके लिए, सीड्स के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीड्स। सीड्स में आप देख सकते हो, अगर सीड्स को आप डिवाइड करोगे, आप एफ्रिकॉट का ही सीड लीजिए, उसको आप डिवाइड करना दो पार्ट में, तो इसके अंदर आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा, ये है एम्ब्रियोनिक लीव्स, ठीक है, जिसको हम प्लूमेले भी कहते हैं, इससे न्यू प्लांट आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये कॉटलीडॉन है, दो कॉटलीडॉन है, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये इस एम्ब्रियोनिक लीव्स को फूड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बाहर का जो पार्ट है, थोड़ा लेयर पतला सा, इसको हम सीड कोट कहते हैं, ये आपके बुक में है। लास्ट में आपका टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट।
आपने देखा होगा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट कैसे होते हैं, तो डिस्पर्सल बाय विंड होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो सीड्स होते हैं वो आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर आप क्या कहें मतलब एक रुई जैसा लगे होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं, वो जो है प्लांट्स के जो सीड्स है उनको हवा में आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से और कई सारे सीड्स है जिस पे काटे काटे जैसे छोटे छोटे नीडल जैसे कांटे जैसे लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो सीड जो है वो एनिमल्स के जो बाहर का जो हेयर होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं, या अगर हम कहीं के घासों के बीच में से हम ग्रास के बीच में से चले तो हमारे कपड़ों पे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें लगे होते हैं वो भी सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, वो चिपक जाते हैं और सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं, आपने देखा भी होगा। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ मतलब हुआ है या हो रहा है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।